नमस्कार बंधुओं, स्टडी विद पीपी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी हम पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ का चैप्टर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का हमने 3 वीडियोस बना लिए हैं। आगे की क्लास में हम कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए हमारे क्वेश्चन जो भी है वो सीजीएल की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। हमारा आज का प्रश्न है कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, इसका मान क्या होगा? चारों विकल्पों में से हमें देखना है। देखिए इसको करने के दो तरीके होंगे। अपॉन में आ गए तो हम या तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की सहायता से करने की कोशिश करें या फिर सीधा ही करने की कोशिश करें। अब देखिए साइन कोस से आ रहा तो आप सीधा करो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हल हो जाएगा। देखिए कैसे आसानी, हम सीधा करने के लिए ऊपर साइन लिखा, इधर भी साइन लिखा है, तो हम क्या करेंगे साइन को ले लेंगे कॉमन। तो साइन आ गया हमारा भाई बार, पीछे क्या बच गया 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब इसको हल करेंगे। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऐसे भी कभी मतलब जोड़ बाकी करनी हो तो उनका एलसीएम हमेशा जो हर में लिखा हो ना उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो भी इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इससे क्या होगा, पर्सन करने में आसानी होगी। एलसीएम कोई भी हो, चाहे नंबर्स भी हो, नंबर्स में भी आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत हो तो आप सीधा ही जो हर में लिखो उसको आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दो और ये वाली चीज यहाँ पे लिख दो, ये वाली चीज यहाँ पे लिख दो, तो क्या होगा इस पर्सन को आसानी से करने में हल हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास साइन थीटा हो गया, इधर देखिए इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा हो गया। अब 1 प्लस कोस थीटा का भाग इसमें देंगे तो ये तो कट जाएगा, तो पीछे हमारे क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा प्लस का प्लस, अब 1 माइनस कोस थीटा का भाग इसमें देंगे ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस कोस थीटा। अब आप देखेंगे कि एक कोस प्लस का आ रहा, एक कोस माइनस का, तो प्लस के कोस से माइनस का कोस गया, तो देखिए पीछे क्या बचा हमारे पास साइन थीटा अपनी जगह बच गया, ऊपर क्या बचा 1 प्लस 1 कितना बच गया 2 बच गया। अब आगे a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा हमारे पास, देखिए कि एक का एक हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर दो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि कोस का स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास साइन थीटा अपनी जगह आ गया और यहाँ पे 2 बटा, अभी हमने पढ़ा था कि एक माइनस कोस इसको बराबर क्या होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और साइन से साइन कैंसिल तो पीछे क्या बचा 2 बटा साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। इस पर्सन का आंसर क्या हो गया 2 कोसेक थीटा। अब देखिए चारों विकल्पों में से एक विकल्प में हमारे पास 2 कोस थीटा देगा, तो हम क्या करेंगे इसको अगर त्रिकोण में टेबल की सहायता से करना चाहे कैसे करेंगे, तो मान लीजिए कि थीटा इक्वल्स टू 90 मान लो या फिर थीटा इक्वल्स टू 45 मान लो, इससे क्या होगा इजी पड़ता है। 45 इजी इसलिए पड़ता है क्योंकि इसमें साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू एक ही आती है, और 90 इजी इसलिए पड़ता है कि साइन 90 इक्वल्स टू 1 हो गया और कोस 90 0 हो गया, तो इससे क्या होगा पर्सन को करने में आसानी होगी। मैं 90 ले रहा हूं तो क्या होगा, देखो 90 लेने पर हमारे पास आएगा ये साइन 90 मतलब एक हो गया 1 प्लस देखिए कोस 90, कोस 90 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 करेंगे प्लस का प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 0, तो देखिए 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया इस पर्सन का आंसर। अब आप सोचोगे भी 0 क्यों नहीं लिया हमने, देखिए अगर हम 0 लेते कोस 0 का मान हमारे पास क्या आता 1, और 1 माइनस 1 हमारे पास क्या आता है 0, तो किसी भी संख्या का बट्टे में 0 हो उसको क्या मानते हैं अनिर्धारित मानते हैं, इसलिए हम ऐसी कभी भी कंडीशन नहीं लेंगे कि हार में इसका मान क्या आ जाए 0 आ जाए, इसको हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। अब देखिए इसका आंसर यहाँ पर 2 आ गया। अब चारों विकल्पों में से चेक करना है कि थीटा की जगह 90 रखने पर कौन सा विकल्प सही होगा। अब देखिए यहाँ पर हम 90 रखे कोसेक 90 का मान 1 हो गया, 1 को 2 से गुणा करने पर हमारे पास क्या आया 2 आ रहा है, आई बात में, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो गया। अगर विकल्प में हमारे पास ये भी आ जाए भी 2 साइन थीटा तो भी इसका मान कितना हो रहा है 90 आएगा भी, क्योंकि साइन 90 का मान 1 हो रहा है और 1 इंटू देखिए हमारे पास ये विकल्प आ जाए हमारे साथ में, ये भी हमारे पास विकल्प आ गया कि भाई 1
टू साइन थीटा, अब साइन 90 का मान 1 हो गया, 1 टू 90, अब दोनों में युगल को में से कौन साइड राइट होगा, इसके लिए बेटर तरीका या तो इससे करो या फिर एक बार हम वैल्यू और चेंज करनी पड़ेगी कि थीटा के बराबर 45 रख दो। अब देखिए साइन 45 का मान कितना हो गया, 1 बटा अंडर रूट 2 प्लस कोस, ये भी कितना हो गया 1 बटा अंडर रूट 2, यहाँ पे हमारा प्लस हो गया, ये वापस हो गया 1 बटा अंडर रूट 2, 1 माइनस 1 बटा अंडर रूट 2। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए बट्टे में एलसीएम ले लूं मैं तो ऊपर तो बच्चा है ये वाला है ही है, बट्टे में आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 बट्टा अंडर रूट 2, इसी प्रकार यहाँ पे भी आ जाएगा 1 बट्टा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 माइनस 1 बट्टा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, तो पीछे क्या बचा भी हमारा, ये बच गया हमारे पास 1 बट्टा अंडर रूट 2 प्लस 1, और प्लस का प्लस यहां पर बच गया अंडर रूट 2 माइनस 1। अब इसको वही इस तरीके से हम हल करेंगे, टाइम लगेगा तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू यहां पर आ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहां पर आ जाएगी, और बट्टे में दोनों का हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट 2 माइनस 1 प्लस का प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1। अब देखिए आप ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो में से एक गया पीछे क्या बचा हमारे पास, एक बच गया, एक से एक कैंसिल बच गया, यहाँ पे क्या हो गया अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 कितना हो रहा है 2 अंडर रूट 2, हमारे पास क्या गया 2 अंडर रूट 2, और यहाँ पे अगर 45 की वैल्यू रखेंगे कोसेक 45 की वैल्यू मान कितना होता है अंडर रूट 2, और तो इस दो बार पड़ा गया इसका आंसर क्या हो गया 2 अंडर रूट 2, इस पर्सन का आंसर हो गया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है जो सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया है, देखिए आर साइन थीटा बराबर 1 दे रखा है, आर कोस थीटा बराबर अंडर रूट 3 दे रखा है, तो हमें मान ज्ञात करना है अंडर रूट 3 टेन प्लस 1, इसका मान हमारे पास क्या होगा, देखिए एक बार आर साइन थीटा आर कोस थीटा हम क्या करेंगे इसमें इसका भाग देंगे तो क्या होगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और साइन बट्टा कोस हमारे पास क्या होता है 10, इस प्रकार हमारे पास 10 थीटा का मान आ गया, देखिए हम भाग देने पर क्या आएगा 10 थीटा बराबर हमारे पास आ गया 1 बट्टा अंडर रूट 3, एकदम आसान हो गया। अब 10 थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो हमारे पास क्या बचा अंडर रूट 3 इंटू 1 बट्टा अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा 1 प्लस 1 हमारे पास क्या आ गया 2, यानी कि इस पर्सन का आंसर कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया, बहुत ही आसान है, कैसे किया आर से आर कैंसिल कर दिया, इसको डिवाइड किया तो साइन बटा कोस 10 हो गया और 1 बटा अंडर रूट 3 हमारे पास क्या हो गया 1 अंडर रूट 3, 1 बटा अंडर रूट 3 हो गया। अब देखिए सीजीएल की परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके पर्सन, उसमें से एक पर्सन है हमारे पास कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, तो हमें ज्ञात करना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा, इसका मान क्या होगा। अब देख इसमें इस प्रकार प्रश्न पूछकर कई बार हम कोई भी वैल्यू पूछ लेते हैं, तो मैं क्या ध्यान रखना हमेशा ही एक ही ट्रिक है, इसको रोल वैल्यू को क्या कर दो पक्षांतर कर दो, तो इससे क्या होगा हमारे पास दूसरा मान आ जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे साइन थीटा बराबर क्या कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है कि किसका मान क्या होता है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा होता है, कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए मैं कोस स्क्वायर थीटा का मान से तो साइन थीटा आ गया, अब यहाँ पर अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया साइन थीटा, और कोस की घात 4 थीटा का मान हमारे पास क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, इसमें वैल्यू हम रिप्लेस कर लेंगे, वैल्यू रिप्लेस करके हमारे पास आंसर आ गया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए हमने कोस स्क्वायर की क्या लिख दिया साइन थीटा, और कोस की घात 4 की लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास आ गया, और इसका मान पर्सन में देर का क्या होता है हमारे पास एक होता, बहुत ही अच्छा पर्सन है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इसमें ध्यान क्या रखना है स्कोर वाली वैल्यू का हमें पक्षांतरण करना होता है, पक्षांतरण करते ही हमारे पास इन प्रश्नों का आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार एक और पर्सन है हमारे पास एक्स बराबर ए sec अल्फा cos बीटा, वाई बराबर बी sec अल्फा sin बीटा, और जेड बराबर है सी tan अल्फा, तो हमें ज्ञात करना
एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर का मान कितना होगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है, जहां जहां एक्स लिखा है वहां पे एक्स का मान रख दो, जहां वाई लिखा है वहां वाई का मान, और जहां जेड लिखा है जेड का मान रख दो, अपना पर्सन का आंसर हमें मिल जाएगा। तो चलिए एक बार करते हैं, एक्स क्या हो गया ए स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर कर लेते sec स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर बीटा हो गया हमारे पास, बट्टा में क्या है ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो वाई स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया sec स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा बट्टा बी स्क्वायर माइनस में देख के होगा हमारे पास सी स्क्वायर टेन स्क्वायर गामा टेन स्क्वायर अल्फा और बट्टा में क्या लिखा है सी स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि ए स्क्वायर क्या बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया। अब यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर यहाँ पे भी sec स्क्वायर अल्फा है तो हमने कॉमन लिया sec स्क्वायर अल्फा तो पीछे बन गया cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा माइनस यहाँ पे बचा है tan स्क्वायर अल्फा। अब देखिए cos स्क्वायर बीटा और sin स्क्वायर बीटा इसका मान हमारे पास कितना होता है वन होता है सर्व समीकरण से। उसी प्रकार sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा भी कितना होगा वन होगा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर कितना हो गया वन, यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया हमारे पास एक हो गया। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि x बराबर cos थीटा अपॉन एक माइनस साइन थीटा, तो हमें ज्ञात करना एक प्लस साइन थीटा बट्टा cos थीटा इसका मान क्या होगा। अब देखिए इसको करने के दो तीन तरीके होंगे, पहला तो सबसे आसान है साइन कोस के रूप में दे रखा है तो कोशिश करो कि साइन कोस के रूप में इसको हल करने का ट्राई करो, इससे क्या होगा इस प्रश्न को कम समय में कर पाएंगे। दूसरा हमें चारों विकल्पों में से जज करना पड़ेगा कि यहाँ हम थीटा का मान क्या रखेंगे एक्स का मान कुछ आना चाहिए, फिर हम इसमें कंपेयर करेंगे तो क्या डिफिकल्ट पड़ने के चांसेज होंगे, तो इससे करो कि हमें आसानी से हल हो जाए। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे कर दूं, हमारे पास क्या लेगा कोस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। अब देखिए हमें चाहिए क्या, इसको वापस लिख दे बार, हमें ऊपर चाहिए वन प्लस साइन थीटा तो हम इसका परिमेयकरण कर ले, तो ऐसा हम लिख सकते हैं वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, ऊपर हमारे पास साइन थीटा तो आ गया, अब नीचे हमें केवल चाहिए कोस थीटा, वो हम कैसे लेकर आएंगे तो हमें कुछ दिख रहा है कि ए माइनस बी ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ मिल रहा है, तो इसको लिखिए cos थीटा अपनी जगह क्या बन गया वन प्लस साइन थीटा अपॉन देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी क्यों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब एक माइनस साइन स्क्वायर हम जानते क्या होता है भाई cos स्क्वायर थीटा होता है, तो यहां पर लिख दू मैं क्या हूं cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर से cos सिंगल वैल्यू क्या हो जाएगी कट जाएगी cos से एक cos चला गया तो पीछे क्या बचे केवल cos थीटा, तो हमारे पास क्या आगे आंसर ए प्लस साइन थीटा बट्टा कोस थीटा का मान हमारे पास क्या मिल जाएगा एक्स मिल जाएगा। इस प्रश्न क्या हो गया आंसर टू एक्स, इसलिए मिला कि हमने एक्स को चेंज नहीं किया, अगर प्रश्न में ऐसा पूछा था कि कोस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए तो हम इसका उल्टा कर देते क्या आ जाता एक बट्टा एक्स, और विकल्प में जो हो प्रश्न में जो पूछा उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। आज के हमने जो भी पर्सन किए सारे पर्सन सीजल की परीक्षा में टीयर फर्स्ट या टीयर सेकंड में पूछे जा चुके हैं, हम उन्हीं पर्सनों को करें जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और अदर पर्सन भी करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाने की जिसकी संभावना होती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।